बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे के अंदर होंगे। दोबारा से हाजिर हो गए अपने चैनल पे एक छोटी सी वीडियो के साथ। छोटी सी वीडियो क्या यार, छोटी सी है वैसे, ये है शॉर्ट टर्म रेंटल के रिलेटेड। और वीडियो जो है प्रॉपर देखा करो यार पूरी, अगर काम को समझना है तो, अगर नहीं समझना है तो फिर मुझे देख के बाय बाय टाटा करके लाइक करके चलेगा करो, ठीक है? तो अगर कोई काम समझना हो तो यार वीडियो कम से कम पूरी देखा करो ताकि आपको समझ आएगी, और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर जो है स्क्रीन पर जाकर सारा प्रोसीजर समझाएंगे इसके ऊपर। ये शॉर्ट टर्म रेंटल मींस कि एयर डीएनए के ऊपर हम काम करते थे, एयर डीएनए के ऊपर, उसके साथ हम एयर बीएनबी पे भी जाके वहीं से लिंक्स होते थे तो निकालते हैं सारा काम जैसे करते थे। उसकी जो एयर डीएनए वेबसाइट है उसका सारा का सारा लेआउट चेंज कर दिया उन्होंने, हर चीज़ जो है ना जरा डिफरेंट कर दी है, लेकिन उसका तरीक़ाकार के काम करना कैसे वो सेम ही है। वो सेक्शंस ढूंढने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और अगर चैनल पर नया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, ब्लॉग्स का ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो वो है, उसका हैंडल है @SialBlogs47, वो सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है? मारा दिन सर ब्लॉग्स के नाम से चैनल है, लिंक भी डाल दूंगा इसके अंदर, तो उसको भी यार सब्सक्राइब कर देना जाके। तो ये एयर डीएनए के ऊपर वीडियो है, प्रॉपर आपको समझा दूंगा, लेकिन प्रॉपर वीडियो आप पूरी देखोगे तो समझ आएगी, थोड़ी सी देख के भागने वाली नहीं करनी, अगर समझना काम सीखना है काम तो, ठीक है? तो आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि एयर डीएनए के उन्होंने जो चेंजिंग्स किए हैं वो क्या क्या, और कहाँ कहाँ कौन से जो सेक्शन है वो चले गए हैं, जो रेंटल का था रेंटलाइजर था वो कहाँ पे, और एक प्रॉपर्टी का रेंट का एस्टिमेट वो कहाँ पे, सारी चीज़ें चलते हैं जरा स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने चेंजिंग की हुई है। जी दोस्तों, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको जो आज फुल कॉम्प्स यानी कि फुल कॉम्प्स का भी आपको साथ पता चल जाएगा, और मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है एयर डीएनए के ऊपर। airdna.co वेबसाइट का नाम है, ओपन कर लिया हमने। पहले जो वीडियो बनाई थी उसका लेआउट जो है वो सारी की सारी चेंज हो चुकी है, तो चेंज होने के बाद अब ये किस तरह से होती है उसके बारे में हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। और ये मैं लॉगिन किया airdna.co के अंदर, हमने किया लॉगिन, अपने क्लाइंट को लॉगिन लगा लिया। अब लॉगिन लगाने के बाद जिस तरह चीज़ें आप लोग देख लें कि कितना जो है डिफरेंस आ गया इसके अंदर, पहले और तरह से आती थी लेकिन अब बिल्कुल ही और तरह से आ रही है। सो अब यहाँ पे हमने जब करनी है जो रेंटल कॉम्प्स होते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है, सिंपल तरीक़ाकार है, ये चीज़ आप लोग देख लें, ये ब्लैक कलर के अंदर एयर डीएनए के साथ यहाँ पे लिखी हुई है एक्सप्लोर शॉर्ट टर्म रेंटल डाटा। इसको ओपन करेंगे, एवेलुएट मार्केट है और आगे प्रॉपर्टी अर्निंग पोटेंशियल फॉर सेल प्रॉपर्टीज़। अब हमने अगर किसी सिटी की जो है अर्निंग पोटेंशियल जानना हो, जो सिटी के अंदर जिस बेड बाथ के हिसाब से हमें मिलता है कि ये इस बेड बाथ के हिसाब से हमने निकालना है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ एवेलुएट मार्केट के हिसाब इस पे करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है? लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक मार्केट, अगर किसी मार्केट के अंदर करना है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी करना चाह रहे हैं तो लुक अप अ स्पेसिफिक एड्रेस रेंटलाइजर, जो वहाँ पे हम रेंटलाइजर यूज़ करते थे इस साइड पे आता था पहले, वहाँ पे नहीं यहीं पे इसी के ऊपर, लेकिन जब इसकी लेआउट पहले वाली थी अभी चेंज हुई है, तो प्रॉपर्टी अर्निंग पोटेंशियल इसके ऊपर हमने यहाँ पे एड्रेस डाल के हमने जो सर्चिंग करनी होती है। अब मैंने इस एड्रेस का जो है 8650 नॉर्विच स्ट्रीट इसका करना है, फुल कॉम्प्स करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, प्रॉपर्टी अर्निंग पोटेंशियल कॉपी पेस्ट, ठीक है? वेस्ट मिनिस्टर CO USA, वेस्ट मिनिस्टर की ही आई थिंक ये प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ से दोबारा इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, हाँ ये वेस्ट मिनिस्टर की प्रॉपर्टी है। 214, दो बेड एक बाथ और चार गेस्ट के हिसाब से हमने इसकी जो है वो करना है फुल कॉम्प्स, ठीक है? तो फुल कॉम्प्स के लिए हम क्या करेंगे जी, हमने प्रॉपर्टी यहाँ सर्च की थी, ये आ गई 8650 नॉर्विच स्ट्रीट वेस्ट मिनिस्टर CO 80031। अब 21, दो बेडरूम, ये यहीं पे सिलेक्ट करना बड़ा इजी हो गया है, यानी कि ना वो पहले तो एक साइड पे हम फिल्टर्स में जाके लगाने पड़ते थे, लेकिन यहाँ वो फिल्टर्स नहीं है उस तरह से, यहाँ आपके सामने हर चीज़ आ गई है। दो बेडरूम एक बाथरूम, दो के साथ चार, 2x2 या 3x2, हमने 2 के साथ जो मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो अपडेट करने के बाद ये आ गया हमारा एवरेज डेली रेट या एवरेज नाइट प्राइस जो होती है वो आ गई। ऑक्युपेंसी रेट जो है ये आ गया 14964, यहाँ से हम वेरीफाई भी कर लेंगे, यहाँ क्या है 14964, ठीक है 14964 बिल्कुल एक्यूरेट आ गया हमारे पास डाटा। अब एक्यूरेट डाटा आने के बाद वहाँ स्क्रीनशॉट लेते थे, यहाँ भी स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे, ये हमने स्क्रीनशॉट के लिए प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाया और ये इतना जो है ना स्क्रीनशॉट ये हमने ले लिया कि ये पिक्चर्स भी आ गई, ये डाटा भी आ गया, और इसको हमने कर दिया सेव, ये हमारा हो गया सेव। अब
नीचे जो चीज़ हमने करनी होती है, एक तो है ये वाला डाटा, मंथली रेवेन्यू, रेवेन्यू रेंज। मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँ कि हमें कौन सा वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। डन। ये वाला जो है स्क्रीनशॉट, अब इसमें दो चीज़ें, एक आपने स्क्रीनशॉट ये निकालना है ठीक है इस चार्ट का, दूसरा ये फाइल एक्सपोर्ट करनी है। ये थोड़ा सा इशू आ रहा है कभी कभार, ये कर जाता है मेरे पास, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट कम से कम निकाल लूँगा ताकि मुझे उसमें मसला ना बने। और वो जो डाटा है वो भी हमारा कहीं गायब ना हो, ठीक है, ये निकल गया। तीसरे नंबर पे ये जो चीज़ है, अब इसका जो मसला आ रहा है कि अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ज़रा मसला बन जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं कि ये निकालना है ठीक है, इसका रेंटलाइजर यहाँ से यूज़ करना है, इसको प्रॉपर निकाल के हमने उधर अगर शीट के अंदर डाटा डालना है तो उसका क्या तरीका है, नो रिज़ल्ट हो, ये अक्सर इशू यहाँ पर कर जाता होता है मेरे साथ, ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको हम दोबारा से सर्च कर लेंगे कौन सा हमें ज़्यादा मसला है, कौन सा उसमें टाइम लगना है। टाइम नहीं लगेगा, ये हम सर्च कर लिया, टू बेड वन बाथ अगेन से उसको, क्योंकि उसने हमने जब दोबारा से एड्रेस को सर्च किया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया काम, ये डाटा भी मुझे नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, मैं इसका डाटा नहीं, मैं आपको किसी और का डाटा अभी निकाल के जो फ़ौरन से वो दिखा दूँगा ताकि आपकी जो मेरी वीडियो वो ख़राब ना हो और आप लोगों को समझ भी प्रॉपर तरीके से आ जाए। और बल्कि मैंने स्वी को निकाल लेना था। निकालने के तरीक़ेकार बहुत सिंपल है, आपने ये सर्च कर लिया, मैंने यहाँ सर्च नहीं किया क्योंकि मेरी तरफ थोड़ा इशू चल रहा है, इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो हमने दो बैद दो बात और चार गेस्ट के हिसाब से इसको सर्च किया, हमने यहाँ का स्क्रीनशॉट लिया फ्रंट का ठीक है, हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया और ये एक्सपोर्ट कर लिया डाटा। ये एक्सपोर्ट होकर मेरे पास उधर फाइल निकल आई है, इसको मैं आपको सेट करके लगाने का डाटा बताऊँगा अभी किस तरह से। ये इस जगह पर हमने, सॉरी इधर है, यहाँ पर ये चार्ट है, ये नया जो तरीक़ेकार है, इस चार्ट के अंदर हमने डाटा डालना है, किस तरह से डालना है। स्क्रीनशॉट हो गए, और सॉरी ये किधर से आ गया, हाँ ये स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट भी ले लिया, देन ये नीचे प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कैसे निकालना होता है, एक तो हमने बेड बाथ और गेस्ट काउंट एक बिल्कुल एक जैसा देखना होता है ना, अब ये दो बेड दो बाथ 5 गेस्ट, दो बेड दो बाथ 8 गेस्ट और 2 1 6। हमने 2 1 4 के हिसाब से हमें नहीं मिल रहा था, कोई मसला नहीं है, अगर वो प्रॉपर नहीं मिल रहा तो 5 और 6 ईज़िली निकाले जा सकते हैं। और यहाँ इसका भी स्क्रीनशॉट लेना होता है, जो तरीक़ेकार हमने शुरू किया ऐसे स्क्रीनशॉट, और ये हम क्योंकि निकाल रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ये इतना स्क्रीनशॉट ये सेव। मैं आपको बस एक दो प्रॉपर्टीज़ कैर करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो है आसानी रहे और वीडियो भी बहुत ज़्यादा जो है लंबी ना बने ठीक है, और आपको समझ भी आ जाए। इन दो प्रॉपर्टीज़ के मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, ये हमारी कंपेरिजन प्रॉपर्टीज़ हैं। ओपन न्यू टैब, इसको भी कर लेंगे, सॉरी कहाँ से खुलेगी, ओपन ए न्यू टैब, यहाँ से ओपन ए न्यू टैब। अब ओपन ए न्यू टैब करने के बाद वो प्रॉपर्टी प्रॉपर खुल गई है जिस तरह से हमारी ऊपर वाली प्रॉपर्टी खुली हुई थी, जैसे ये खुली हुई है, ओपन हुई हुई है, इसी तरह से हमने इसको न्यू टैब में खोला तो इसी तरह से आ गई है, 2 2 5, 2 बेडरूम 2 बाथरूम 5 गेस्ट। ये बेड का निशान है, ये बाथरूम का निशान है और ये बंदे का निशान है, तो गेस्ट का ठीक है। अब ये इसकी एवरेज जो है, डेली रेट, ऑक्यूपेंसी, एनुअल प्राइस सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ से क्या चीज़ करनी है, ये पिक्चर जो है पहले वाली, इसके ये कॉर्नर में Airbnb का जो लोगो बना हुआ है हमने इसको क्लिक कर देना है। अब ये चला जाएगा Airbnb के ऊपर और वहाँ जो लिस्टिंग है, क्योंकि ये AirDNA हमें Airbnb से डाटा लेके देता होता है, अगर हम ये लिंक डालेंगे तो हमें फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये लॉगिन होगा AirDNA के अंदर तो ये वाला लिंक ओपन होगा, बट जब ये लिंक हम डालेंगे तो डायरेक्ट हमारा ये ईजीली खुल सकता है विदाउट लॉगिन। यहाँ भी सेम, यानी कि कह लें तकरीबन वो होता है क्या उसको कहते हैं टाइटल, और यहाँ भी लग्जरी 2 बेडरूम 2 बाथ विद सूट फुल टैंक, और थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ, यहाँ पे और लिखा हुआ लेकिन वहाँ पे है सेम ही चीज़। मैं इसका भी जरा आपको दिखा देता हूँ, द फार्म हाउस एट अरवाडा एकर्स, ये Airbnb का लोगो, इसको हमने क्लिक किया, पिक्चर के ऊपर खड़ा हुआ था, और ये सेम द फार्म हाउस एट अरवाडा एकर्स, द फार्म हाउस एट अरवाडा एकर्स सेम आ गया। तो ये वाला जो टाइटल है इसको कॉपी एंड शीट के अंदर पेस्ट, ठीक है, टाइटल Airbnb वाला यहाँ पे भी इस जगह पे होगा, ऊपर वाले में नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, द फार्म हाउस एट अरवाडा एकर्स ये, और अगर हम Airbnb का लिंक ओपन कर लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे। अब ये हमने एक तो यहाँ पे डाल दिया टाइटल, टाइटल के अंदर हमने ये वाला जो लिंक है Ctrl+C, और यहाँ पर हाइपरलिंक डालना है Ctrl+K,
कंट्रोल के करेंगे ना किसी जगह पे, तो जो हमारे वर्डिंग लिखी हुई है वो वही रहेगी, उसके पीछे एक लिंक पेस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया और ये अप्लाई, अब ये हमारा लिंक ऐड हो चुका है। लेकिन आप लिंक ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि इंसर्ट लिंक, यहाँ पे ऑप्शन से निकाल के यहाँ पे आपको टेक्स्ट कौन सा आपने लिखना है, यहाँ वो लिंक आपने कौन सा लिखना है कि लिंक बैक साइड पे लिंक होगा, फ्रंट पे जो टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेड बाथ काउंट हमने इसका लिखना है, ये हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से हमने लिंक और ये लिया है टाइटल, ये 8 एवरेज नाइटली प्राइस, नाइट प्राइस कह रहे हैं 203 और 65% इसकी ऑक्यूपेंसी है, 203 ओ कितनी थी यार 65, ठीक है, और ऑक्यूपेंसी 65। ये चीज़ डल गई। इसी तरह पांच प्रॉपर्टीज़ कंपैरिजन की हमने निकालनी है, 5 का टाइटल और उनका जो है लिंक, और आगे बेड बाथ, ये गेस्ट, एवरेज नाइट प्राइस और ऑक्यूपेंसी डालनी है। उसके बाद हमने जो स्क्रीन शॉट लिए हैं, मैं ये ज़रा इधर लेके आ जाता हूँ इसी स्क्रीन पे ताकि आपको पता चल जाए। स्क्रीन शॉट हमने ये लिया, आई थिंक 27 वाला था, यहाँ से करना है कॉपी, कंट्रोल सी करके, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, लिंक डाल के पिक्चर डाल के स्क्रीन शॉट की, और ये हमने निकाला और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरह से जो स्क्रीन शॉट्स आपने लिए हैं, यहाँ लिंक, उसके नीचे यहाँ पर वो, सॉरी ये क्या गया, यहाँ पे पिक्चर जो स्क्रीनशॉट है वो वाली डालनी है, और यहाँ पे जो है अपने ऊपर लिंक डालना है। और जो हमने फर्स्ट पिक्चर ली थी, मैं ज़रा आपको वो भी दिखा दूँ, फर्स्ट पिक्चर हमारी थी ये वाली, जैसे कि पहले मैं कर रहा हूँ स्टार्ट से काम, ये इसके ऊपर डाल के आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें, जैसे आपने सेटिंग करनी है वो आपकी मर्ज़ी की बात है, या जैसे आपको क्लाइंट ने कहा हुआ है, मैं तकरीबन यहाँ पर एडजस्ट कर लूँ। और इसके बाद जो हमने चार्ट का लिंक लिया था, हम चार्ट का लिंक लेंगे और ये भी जो है यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डालने के बाद उसकी थोड़ी सी जो सेटिंग बना देंगे, ये ऐसे करके यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, आपकी मर्ज़ी की बात है, जैसे आपने सेट करके आपकी शीट प्यारी लगे, जिस तरह से सेटिंग हो जाए ये वो कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज़ निकाली थी, वो था ये डाटा, ये यहाँ पे आ गया, ये क्या आ गया, सॉरी, ठीक है, डाटा आ गया। अब अभी मैं तो सेम वही कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि डेट ईयर, डेट मतलब कौन सा मंथ है और ईयर कौन सा है और रेवेन्यू जो है वो कौन सा है। अब नवंबर 2023 का आ रहा है, इधर अक्टूबर से था, तो ये मैं अक्टूबर वाली रो जो है इसको निकाल के ये वाली और यहाँ पे इधर से ऐड कर दूंगा अक्टूबर 2024 की। ये नेक्स्ट ईयर का हम डाटा जो है वो निकाल रहे होते हैं। मैं खैर यहीं से ये मंथ आपने, यानी कि ये सारा का सारा डाटा इसी तरह डालना है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये रेवेन्यू का ऑप्शन, ये रेवेन्यू वाला, ठीक है। अब ये रेंज जो है ना, ये रेंज दो यहाँ पे स्प्लिट हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक ही में आ रहा है, तो इसका सिंपल कुलिया ये है, आपने इसको ये डबल करके और कोई भी जो फार्मूला लगता है इसको, क्या उसको कहते हैं यार, चेंज करने वाला, वो हमने चेंज कर देना। ये रेंज है, रेंज इन्होंने कट्ठी ही बना के दे देते हैं, जब भी ये शीट मैं डाउनलोड करता हूँ तो इसको सिंपली आपको 4 फिगर्स में ही आ रहा है ज़्यादा, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम ये होता है आपके सामने। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमने जो है टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिटेड और स्पेस के साथ हमने इसको निकालना है, फिनिश। ये दो लाइनों में हमारा स्प्लिट हो चुका है। कॉपी करें, कॉपी करके शीट में आए, शीट में आके यहाँ आपने स्पेशल वैल्यूज़ ओनली, सारा सेम रहेगा, और ये हमारा जो है डाटा वो प्रॉपर यहाँ पे आ गया मंथ के हिसाब से, ठीक है। ये इसके अंदर डल गया हमारे पास डाटा, ये हमने डाटा डालना है और ये चार्ट डालना है, ये चार्ट डालना है यहाँ पे, फ़ोटो जो हम स्क्रीनशॉट लिए थे, यहाँ लिंक और उसका जो है नीचे स्क्रीनशॉट लिया हुआ प्रॉपर्टी का, ये डालना है। इसी तरह से पाँचों के ये नीचे तक हमने डाल देना है, ठीक है। अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसके अंदर जैसे डले हुए लिंक और उसके नीचे फ़ोटो, और यहाँ पे पांचों लिंक्स, यहाँ जो ऊपर हमारे हमने लिंक्स निकालने हैं और टाइटल्स और उसके आगे जो डिटेल्स होनी है, ये निकाल के आपका जो फुल कॉम्प्स है ये कंप्लीट हो जाएगा AirDNA के ऊपर, जो AirDNA की वेबसाइट है। और ये चेंजिंग यही है कि रेंटलाइजर बिल्कुल फ्रंट पे आ गया, यहाँ प्रॉपर्टी सर्च करें, प्रॉपर्टी सर्च करने के बाद उसका डाटा आ जाता है, बेड बाथ का और गेस्ट का जो है वो सेलेक्ट करें, यहाँ पर एवरेज नाइट रेट ऑक्यूपेंसी आ जाएगी,
नीचे चार्ट और जो व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड मंथली रेवेन्यू ओवर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का जो डाटा है वो भी आ जाता है साथ, ठीक है। और लास्ट में ये कंपैरिजन प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, कंपेरेबल प्रॉपर्टीज़ को कह सकते हैं, टॉप कंपटीटर्स, इनका आपने डाटा निकाल के और एयरबीएनबी का लिंक निकाल के वहाँ पर डालना है। तो उम्मीद करते हैं यार इसकी समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से कि एयरबीएनबी ने अभी किस तरह से चेंजिंग्स की और क्या क्या इसका तरीका कार है, एयरडीएनए ने और एयरडीएनए को अब किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।